KSN 24 पल पल की खबर। उर्गा थाना क्षेत्र के ग्राम भिलाई खुर्द के गली गली में खुलेआम अवैध शराब की बिक्री से जहां गांव का माहौल खराब हो रहा है, वहीं युवा पीढ़ी भी नशे की लत की आदि होती जा रही है, जिससे दर्जनों ऐसे परिवार हैं जो उजड़ने की कगार पर हैं। ऐसा भी नहीं है कि अवैध शराब के कारोबार की जानकारी जिले के आबकारी विभाग और पुलिस प्रशासन को ना हो, लेकिन जानकारी के बाद भी अवैध शराब की बिक्री पर लगाम न लगना कई सवालों को जन्म दे रहा है। भिलाई खुर्द की महिलाएं उर्गा थाना पहुंचकर अवैध शराब बिक्री करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की मांग कर रही है। महिलाओं का कहना है कि शराब की वजह से आए दिन घरों में उनके साथ मारपीट की जाती है। इसी बात को लेकर भिलाई खुर्द की महिला इकट्ठे होकर उर्गा थाना पहुंची हैं। उर्गा थाना क्षेत्र के दर्जनों ऐसे गांव हैं जहां अवैध शराब का काला कारोबार बेरोक टोक जारी है। क्षेत्र के कई गांवों की स्थिति यह है कि गांव वालों को पानी तलाश में भले ही मिलों भटकना पड़ता हो, पर मदिरा प्रेमियों में गांव में बिना मशक्कत किए ही शराब उपलब्ध हो जाती है। अवैध रूप से संचालित हो रही अवैध शराब की दुकानों ने गांवों का माहौल दूषित कर दिया है। क्षेत्र में शराब के कारण दिनों दिन अपराधों में वृद्धि हो रही है। आसानी से शराब उपलब्ध हो जाने से भोले भाले ग्रामीण व युवा वर्ग शराब की लत में जकड़ते जा रहे हैं। हमारे गांव में काका थे ना, दारू बनाते थे, तेकर लिया है नहीं। तो दारू अच्छा, तो का समस्या होते दारू बनाते थे? दारू बनाते तब का छोटे छोटे लड़का बन पिया थे दारू, घर पे जो भी कुछ भी है देखा, सब पे मजदूरी कर करके कमा के लाए था वही अपन घर परिवार चलाए। लेकिन वो मन का करते, घर के आदमी मन घर ला नहीं चला करके दारू ला पिया थे। गाँव में दारू बनाते हैं, वहाँ दारू था तो अपन रिपोर्ट लिखा जाए, जल्दी से जल्दी कार्यवाही करे। कितना दिन हो गया आवेदन डाले रहे एस पी अभी वहाँ ऑफिस में, प्लस कलेक्टर ऑफिस में भी दिए रहे। कहाँ में बनाते थे कच्ची शराब ला? बाहर में बनाते हैं, अभी तो घर घर मनी बनाते, बाहर मन में जाके बनाते हमें, हमन बाहर ही बेचा था हमें। एक बार चेतावनी दे हैं, एक बार नहीं पूरा गांव के सब कोई हमन मीटिंग करके भी बताए हैं, घर में जाके भी बोले हैं, लेकिन नहीं माना थे। और हमार का कर ली करके और ज़्यादा बनाए लगा थे, अभी अभी तो गली में भी बेचे ला शुरू कर दे रही हमें। तो तुमने 112 या उर्गा पुलिस को सूचना नहीं दिए है? एक एप्लीकेशन के माध्यम से दिए रहे हैं। तो कहाँ बोलते पुलिस वालों ने, कहाँ बोलते अभी तो नहीं दिए, अब कार्रवाई करी आगे देखा था ना जब बोल के। हम लोग ना बीएसकी के पास गए थे, मतलब महिला समूह दारू बंद कराने के लिए, तो अभी तक उन्हें कुछ कार्रवाई नहीं हुई, इसीलिए आए थे आज। तो कौन कितने लोग बनाते हैं दारू? दर्जन। तो इन लोग को मना करते हो आप लोग? एक बार बोले थे, अब बाकी अभी घर में नहीं बना रहे हैं, बाहर में बना रहे हैं। बाहर में कहाँ पर? जंगल झाड़ी में बना रहे हैं सर। तो पुलिस वाले को सूचना देते तो पुलिस वाले क्या कर बोलते हैं? अभी तक तो हम कलेक्टर में जमा किए थे, कलेक्टर में दिए थे, अब आ जाए थे उर्गा थाने, तो उन लोग बता रहे हैं कि कहाँ पे दारू बनते हैं, वहाँ पे हमको बताओ तो हम कहाँ से ले जा पाएंगे सर वहाँ पे। अच्छा ये बताओ, आप लोग के गांव में दारू बन रहा है तो उससे क्या नुकसान हो रहा है, किस तरह से दिक्कतें हो रही है आप लोगों को? हम लोग को बहुत दिक्कत है, हम लोग के गाँव में दारू बनाते छोटे नाबालिग बच्चे पी रहे हैं, और जो दारू बनाते हैं उन लोग भी बोलते हैं कि कौन समिति है, कहाँ से कौन बोले, तो हम लोग ऐसे ऐसे बोलते हैं, मतलब आप लोग को गाली गलौज करते हैं? हाँ बोलते भी हैं। उसने उसने बार आए हैं कसना कसना बार ओ कछु कछु बनाते थे का कछु कछु दारू में हुआ कोने बनाते अब ओकर ना गाना नहीं जानो, लेकिन पीपा के आते तेला जाना था में बनाते थे। तो लैकन पीपा के आते तेल का समस्या होते? आई तो लड़ाई झगड़ा होते तेला सुनथन बेटा। हां तो कतका बड़े बड़े मन पीते दारू? अरे ओटी लगा बे तो बूढ़ा साढ़ा लोग लेकर सब पी। हां नहीं अब कौन लगा हो एक जान ला हासे तो सुनाई। अच्छा तो तुम मना नहीं करा गांव के महिला मन? अब दे रहन कई घर करे हम बेटा, मानबे नहीं करा थे, तेका छठी आवे ती है आ हम तुमन के दया में। अच्छा तो तुमन का चाहत है? बोला बंद करा देव तो हमारे गाँव सुधर ही बढ़िया। कतका दिन ले बेचता थे तो उसने? अब ओतीला नहीं जाना था हम, अबे दे सोहन ज़्यादा हो से तेला सुनत जाना था। अच्छा और दारू बेचाते सब बनते अनते कन पिए जाते? अब उसने आते ना तेला देखन। अच्छा ब्यूरो रिपोर्ट KSN 24 न्यूज़।